इस न्यूज के प्रायोजक हैं english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। शहर के उपनगरी बूढ़ी में स्थित समाधान हॉस्पिटल के डॉक्टर अजित गणवीर के विरुद्ध उनकी पत्नी श्रीमती आरजू गणवीर ने मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। 22 सितंबर को दोपहर में यह घटना उस समय हुई जब आरजू गणवीर अपने पति के समाधान हॉस्पिटल में गई थी। कोतवाली पुलिस ने श्रीमती आरजू गणवीर पति अजित गणवीर उम्र 38 वर्ष डॉक्टर्स कॉलोनी बालाघाट निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर उनके पति अजित गणवीर के विरुद्ध मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती आरजू गणवीर डॉक्टर्स कॉलोनी बालाघाट में रहती है और वह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर ग्राम पाथरवाड़ा में पदस्थ है। बताया गया है कि पिछले कुछ माह से आरजू गणवीर और उनके पति डॉक्टर अजित गणवीर के बीच विवाद चल रहा था। 22 सितंबर को दोपहर में आरजू गणवीर अपने पति के समाधान हॉस्पिटल में गई थी। अस्पताल के कमरे में उनके पति डॉक्टर अजित गणवीर के कमरे में एक महिला थी। आरजू गणवीर ने अपने पति अजित गणवीर को इस महिला के संबंध में पूछताछ की तो अचानक डॉक्टर अजित गणवीर भड़क गए और वे अपनी पत्नी आरजू गणवीर को अश्लील शब्दों में गाली गलौज करने लगे। वहीं जब आरजू गणवीर ने उन्हें गाली देने से मना किया तो उन्होंने उन्हें हाथ से थप्पड़ मारकर मारपीट करने लगे और गला दबाने लगे। कमरे में उस समय उक्त महिला भी मौजूद थी जिसने मारपीट को देख बीच बचाव की। इस दौरान डॉक्टर अजित गणवीर ने पत्नी आरजू गणवीर को जान से खत्म करने की भी धमकी दी। बीच बचाव के बाद आरजू गणवीर रिपोर्ट करने के लिए कोतवाली पहुंची। कोतवाली पुलिस ने आरजू गणवीर द्वारा की गई रिपोर्ट पर उनके पति डॉक्टर अजित गणवीर के विरुद्ध धारा 296 115(2) 351(3) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।